हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तो देवी देवता की मूर्ति लेके नहीं जाते, बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं और अरबों खरबों की दौलत बुद्ध के नाम पर भारत में लेके आते हैं। ये है इन लोगों का धोखा बुद्ध के साथ और यह है इन लोगों का धोखा बुद्ध की संस्कृति के साथ। इसलिए हमारा फैसला है, हम तमाम जितने भी आयोजक लोग हैं, हम तमाम जितने भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हमारे यहाँ 50 एडवोकेट बैठे हुए हैं, 50 इंजीनियर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी पूरे दक्षिणी भारत से हमारे साथी आए हुए हैं। ए साथियों, अभी तो हम लोग यहाँ पर एक संदेश देने की बात कर रहे हैं। ये जो सरकार बैठी है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बुद्ध के नाम पर कोई कानून पास करे, परंतु हम इनको मजबूर कर दे, 1 लाख की संख्या में नहीं, चाहे हम पूरे भारत में चक्का जाम करना पड़े, हम भारत लोग को हर कीमत में बुद्ध के लोग को मनवा करके रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तैयार हैं इस बात के लिए? तुम्हारे बताइए तैयार है? कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं। आदरणीय खेरे साहब बता रहे थे हम 10,000 ही सही। तारा साहब ने कहा था, ए मेरे देश के लोगों, मुझे कुत्ता बिल्ली जानवर का बहुत बड़ा समाज नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए। हम 10,000 सही, हम शेर हैं, हम शेर हैं, हम शेर हैं। और शेरों के सामने कितना भारी है ब्राह्मणवादी, उन लोगों का जो पाखंड पर आधारित अपने संस्कारों के लिए ये चिंता किए हुए हैं साथियों। इसलिए मेरा निवेदन होगा, तमाम जितने भी आए हुए, तमाम भारत के कोने कोने से, असम से हमारे साथी आए हुए, कर्नाटक से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, मैं महाराष्ट्र की भूमि को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र की भूमि को। और ये सत्य है, जब जब महाराष्ट्र से बुद्ध का आंदोलन, बाबा साहब का आंदोलन उठा, तो भारत के संसद में बाबा साहब की मूर्ति लगी। देखा होगा आपने, ये वही की क्रांति का फल है। आज जो संसद में बाबा साहब की प्रतिमा आपको घूमती दिखाई पड़ती है, ये महाराष्ट्र के बहादुर शेरों के आंदोलन का फल था, रिपब्लिकन आंदोलन का फल था साथियों, बुद्धों का फल था ये। इसलिए मेरा निवेदन है, आदरणीय खेरे साहब, एक नहीं, हजारों एडवोकेट आपके साथ है, हजारों भिक्षु संघ आपके साथ है, पूरे भारत ही नहीं संसार के बौद्ध आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, संत सैनिक दल के पूरे भारत के जवान इस मुद्दे के लिए, कानून बनवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। जमीन आसमान, जमीन आसमान, जमीन आसमान एक कर देंगे। आदरणीय भिक्षु संघ को मालूम है, सुरेश ससई जी, जिस समय 1990 के अंदर में लगभग लाखों के संख्या में लोग थे और 10,000 संत संघ के जवान थे, क्योंकि उस वक्त मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, हमने दिल्ली को जाम लगा दिया था साथियों। उसका फल इतना तो हुआ, वो जो बुद्ध विहार है, मां बोधि विहार, उसकी कमेटी में हमारे बौद्धों को ले लिया गया, पहले तो एक मेंबर भी नहीं था। इतना असर हुआ आपकी ताकत का। ये महाराष्ट्र की भाषा है, अजरा उत्तरी भारत की भाषा बोले, मैं बोलूंगा समता साहब कहेंगे जिंदाबाद, समता सैनिक दल, दो बार बोलिए समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा। और ये जो हमारे एक्शन, ये जो हमारा तमाम संयोजक, तमाम मुखिया के रूप में खेरे साहब जो इसको नेतृत्व दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा नारा बुलवाना चाहूंगा। ये वो बहादुर शेर है, जिस दिन मेरे घर पर गए थे, मैं उस वक्त नहीं समझ सका था, परंतु हम समझते रहे, क्योंकि हमें 40 साल हो गया खेरे साहब पूरे भारत में आंदोलन चलाते चलाते। हम आप जैसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के लिए, छोड़िए पैसे की बात, छोड़िए नोटों की बात, अपना खून भी देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भगवान भगवान बुद्ध के रास्ते के अलावा जब
जाएगा। कोहली साहब कैसे गुजारा हमारा हो